नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जेपी सिंह स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। ये हमारा लेक्चर थर्ड है और कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे तो हमारा लेक्चर फोर है। क्यों? क्योंकि हमने एक लेक्चर अपना सिलेबस का डाला हुआ है। अब अगर हम यूनिट की बात करेंगे तो ये यूनिट का हमारा लेक्चर थर्ड है और मैं जो बार बार आपसे बात करता रहता हूँ वो यूनिट के लेक्चर की ही करता रहता हूँ। ठीक है, तो वैसे तो हमारे लेक्चर फोर आ जाएगा, आपको जो शो होगा लेक्चर फोर शो होगा, और यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट का हमारा लेक्चर कितना है? थर्ड है। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में हमारे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी है, हमें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को सही तरीके से समझाना है, उसका ओपन चेन भी समझाना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी समझाना है, उसका जो कंफर्मेशन स्ट्रक्चर है वो भी हमें समझाना है। ठीक है, फिशर का पूछ रखा हमसे, वो भी हमें समझाना है। तो चलिए अब समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज को बनाएंगे कैसे, सबसे पहले देखना है ग्लूकोज हमारा बनेगा कैसे। अगर हम स्टार्च का क्या काम करें, स्टार्च का सॉल्यूशन बना दें किसके साथ में, वाटर के, और उसमें थोड़ी बहुत हम क्वांटिटी में डाल दें उसमें कोई एसिड, जैसे कि हमारे पास में H2SO4 होता है, तो डालने के बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। बाद में इन्हें सेपरेटेड कर लिया जाएगा कैसे, इन्हें क्या काम करेंगे, हीट करेंगे, कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, क्रिस्टल बना लेंगे, तो जो क्रिस्टली कंडीशन इनकी होगी उसमें से इन्हें हम अलग अलग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारे पास में जो दूसरा मेथड है इसे बनाने का, वो हमारे पास में स्टार्च से है। स्टार्च क्या होता है, एक पॉलीसेकेराइड होता है, इसकी भी हम क्या काम करेंगे, वाटर के साथ में सॉल्यूशन बनाएंगे, प्रेजेंस लेंगे किसकी, एसिड की, और इससे भी हमें क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। ये दोनों रिएक्शंस आपको मेरे पीछे पर्दे पे एकदम दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, इनमें हमने ज्यादा कुछ लिखा हुआ भी नहीं, इनकी हमारी लैंग्वेज भी बहुत ईजी है। सुक्रोज में हमने लिखा है वहन एन एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज बॉइल्ड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड, इट अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस टू फॉर्म ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन इक्यूमोलर अमाउंट। इसमें हमने सीधा सीधा लिखा हुआ है कि हमारे पास में जब एल्कोहलिक सोल्यूशन हो किसका, सुक्रोज का, अगर हम सुक्रोज के एल्कोहलिक सोल्यूशन को इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, किसी एसिड की प्रेजेंस में करा देंगे, रिएक्शन कराएंगे या डाल देंगे, तो क्या होगा, वो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, और इससे हमें बिल्कुल इक्विवेलेंट, बिल्कुल एकदम समान मात्रा में मिल जाएंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फिर सेकंड वाले में लिखा हमने, कॉमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग इट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट 393 केल्विन अंडर प्रेशर। तो सेकंड वाले में हमने इसमें लिखा हुआ कि अगर हम कमर्शियली बनाए थे, जो हमारे पास में बहुत सी बार लिखा भी आ जाता है, ठीक है, कमर्शियली कैसे बनाएंगे, तो कमर्शियली बनाने के लिए किसका हम यूज करते हैं, इसमें हम स्टार्च का यूज करते हैं। स्टार्च को लेंगे, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि हमारे पास में HCl है या फिर H2SO4 है, और उनकी ही प्रेजेंस में हमारा क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। अब हम अगर बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट स्लाइड की, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास में है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब हमें स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करनी है। ठीक है, अब ग्लूकोज के कौन कौन से स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ना है, कन्फर्मेशन पढ़ना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। ये जो इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये तो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे, और कन्फर्मेशन भी। ठीक है, और जो हमारी इससे भी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ पाएंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो आज हम सबसे पहले शुरू कर लेते हैं अपना ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है या नहीं होता है, हमारे पास में ऐसे कौन कौन से इसके परिणाम हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि ग्लूकोज में ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने लिया हुआ है, इसमें यही लिया हुआ है ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और एक फॉर्मूला हमने शो कर रखा है, क्या है, CHO बॉन्ड CHOH का होल फोर, और नीचे हमारे पास में है CH2OH। द एबो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एविडेंस, कुछ हमारे पास में एविडेंस है जिनके बेसिस पर हमने ये वाला अपना फॉर्मूला क्रिएट कर रखा है, CHO CHOH का होल फोर और CH2OH। अब वे कौन कौन से हैं, चलिए फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट एविडेंस हमारा कौन सा है। द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज वॉज फाउंड टू बी C6H12O6। ग्लूकोज का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, होता है C6H12O6। पहला हमारे पास में एक एविडेंस ही है। फिर सेकेंड वाला है प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम्स। अब कैसे पता चलेगा कि इसमें कार्बन की एक स्ट्रेट चेन होती है 6 कार्बन की, इसके लिए हमने क्या काम करा, इसे HI के साथ में गर्म कर दिया।
एचआई लिया और एचआई के साथ में इसे गर्म कर दिया। अब अगर हम इसे एचआई के साथ में हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो हमारे पास में एन हेक्सेन बन जाता है। अगर हम ग्लूकोज को एचआई के साथ में हीट करें, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में हीट करें, तो हमारे पास में एन हेक्सेन बन जाता है। अब एन हेक्सेन कैसा होता है, एक नॉर्मल चेन होती है उसकी, लंबी सी नॉर्मल चेन होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये सीधा सीधा सा है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, एक ओपन चेन का होता है। चलिए बात करते हैं सेकंड वाले एविडेंस की, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप कौन होता है, सीओ होता है। कार्बोनिल ग्रुप की बात कर लेते हैं, अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन करा दें किससे, एचसीएन से, तो ये बना देता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। और अगर हम ग्लूकोज की रिएक्शन करा देते हैं किससे, हाइड्रोक्सिल एमीन से, तो ये बना देता है ग्लूकोज ऑक्साइन। अब याद रखिएगा, ग्लूकोज ऑक्साइन जो बनेगा या हाइड्रोजन साइनाइड जो बनेगा, ये बनेगा कब, जब इसके पास में, ग्लूकोज के पास में सीएचओ ग्रुप प्रेजेंट हो। अगर नहीं होगा तो नहीं बनेगा। अब देखिएगा इक्वेशन में इसकी रिएक्शन भी आप देखेंगे, तो हमने जो ग्लूकोज इसमें लिया हुआ है, जो इसका सबसे ऊपर का पार्ट है, जहां हमारा पहले लिखा हुआ है कहां, सीएचओ। अब सीएचओ का क्या बन गया, एक बार तो सीएचओ एचसीएन बन गया, और दूसरी बार में हमारे पास में क्या बन गया, इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर है ये हमारा बन गया CHNOH, ठीक है। एक बार हमारा बन गया फर्स्ट वाले पार्ट में ग्लूकोज ऑक्साइन, और सेकंड वाले पार्ट में जो हमारा बना हुआ है वो हमारा बना हुआ है ए साइनोहाइड्रिन। सीधी सी बात है, ठीक है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा प्रूफ है किसका, कार्बोनिल ग्रुप का, कि ग्लूकोज में कोई कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। बेटा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो कैसा होगा, ओपन ही होगा। नेक्स्ट वाले एविडेंस की बात करेंगे, ये हमारे पास में फोर्थ है। अब आप सोच रहे हो सर अभी जस्ट पिछली बार आप कह रहे थे टू, बेटा ये थोड़ा सा रॉन्ग है, ये थर्ड है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, इसके बाद में हमारे पास में फोर्थ है प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड सीएचओ ग्रुप। अब सीएचओ ग्रुप कैसे पता चला हमने, हमें ऐसे पता चला, हमने ग्लूकोज लिया और हमने क्या काम करा, ये एचसीएन हटाएंगे यहां से, ठीक है, एचसीएन हटा देंगे यहां से, ये एचसीएन इसमें गलत लिखा हुआ है, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास में ये यहां लिखा हुआ है, ये एचसीएन ये यहां से हटेगा हमारा, ये एचसीएन हटेगा, और एचसीएन की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, यहां पे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, ओसो करना पड़ेगा हमें यहां, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है, इसे सही कर लीजिएगा, यहां इसके ऊपर लिख लीजिएगा नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। तो जैसे ही हम क्या काम करेंगे, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो हमारे पास में बन जाता है ग्लूकोनिक एसिड। इसका मतलब ये है कि इसमें सीएचओ ग्रुप प्रेजेंट है। फिर बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट वाले टाइप की हमारा, तो हमारे पास में जो नेक्स्ट रिएक्शन है ये हमारे पास में किसकी है, प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब नेक्स्ट वाली इक्वेशन हमारे पास में ये है कि हमने क्या काम करा, ग्लूकोज लिया और ग्लूकोज की रिएक्शन हमने करा दी किससे, PCl5 से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं, तो हमारे पास में बन जाता है पेंटाक्लोरो ग्लूकोज, ठीक है। क्या बन जाएगा, पेंटाक्लोरो ग्लूकोज, और हमारे पास में 5 मोलिक्यूल्स हमें प्राप्त होंगे इसमें से POCl3 के, और 5 ही मोलिक्यूल्स हमें इसमें मिल जाएंगे किसके, HCl के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज के पास में कितने थे, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट थे। क्यों, क्योंकि एक PCl5 रिएक्शन करता है किससे, एक OH से, और हमने कितने लिए हुए हैं इसमें, 5 लिए हुए, 5 के 5 ही रिएक्शन करके, और 5 मोल उन्होंने प्रोड्यूस भी कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि इसके पास में पहले से ही कितने थे, 5 OH ग्रुप पहले से इसके पास में प्रेजेंट थे, ठीक है। अब ये हमने इसमें लिखा हो गया कि 5 PCl5 एरो, अब एरो के ऊपर से यहां से फिर से ये चेंज करना होगा हमें, क्या लिखा हुआ है, HCN लिखा हुआ है, ये HCN लिखा हुआ नहीं है, ये बार बार गलत लिखा हुआ रहा है, ठीक है, ये HCN नहीं है, ये हमें हटाना पड़ेगा, और रिएक्शन ऐसी ही हो जाएगी बिना किसी परचेंस के, ये भी हमारे पास में नहीं है, ठीक है, ये भी हमारे पास में यहाँ पे आ रहा है, ये गलत आ रहा है। ये नोट्स में से चेंज कर लीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं लिखना है, ये हमारी इक्वेशन ऐसे ही हो जाएगी विदाउट किसी परसेंस के, यहाँ हमें किसी परसेंस की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ये हमारे पास में इसके 5 कुछ ऐसे एविडेंस है जिनसे हम ये प्रूव कर देते हैं कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ओपन होता है, ठीक है, कि ग्लूकोज का ओपन, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ना ही साइक्लिक है और ना ही कन्फर्मेशन में है, कॉन्फिगरेशन में है, ठीक है। दोनों के दोनों से कैसा है, अलग है, ओपन चेन वाला होता है। मगर जब हम बात करेंगे किसकी, कॉन्फिगरेशन वाले की,
या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर की, फिर उनकी बात करेंगे, उनके प्रूफ देंगे और देखेंगे कि कैसे होगा या कैसे नहीं होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही है। इनमें से कोई रिएक्शन अगर आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, बैलेंस मैं आपको करा दूंगा। और अभी मैं दरअसल सोच रहा हूँ, जब आपके एग्जाम हो जाएंगे, अभी कुछ यूनिवर्सिटीज के एग्जाम चल रहे हैं, जैसे ही आपके एग्जाम हो जाएंगे तो मैं हफ्ते में एक बार आपके डाउट क्लास भी लूंगा, जो मैं ऊपर लेते हैं, तो उसमें डाउट क्लास में भी आप जुड़ जाइएगा। जिसको जो भी डाउट हो करेगा वो उसी टाइम वहां से पूछ लीजिए। ठीक है, बात करते हैं सिक्स टाइप की। तो सिक्स टाइप हमारे पास में है प्रेजेंस ऑफ वन डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप। अब वन डिग्री एल्कोहलिक ग्रुप किस टाइप से प्रेजेंट होता है अब हमें इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो हमने क्या काम करा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करा दिया, सक्सेनिक एसिड बन जाएगा, और साथ में हमने कौन लिया हुआ है इसमें, दूसरा हमारे पास में कौन है, ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, अगर हम ग्लूकोनिक एसिड का भी क्या काम करेंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो भी हमारे पास में क्या बन जाएगा, सक्सेरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, सॉरी बेटा, सक्सेनिक नहीं है, सक्सेरिक है, सक्सेरिक एसिड बन जाएगा। तो इस कंडीशन से हमारे पास में प्रूव होता है क्या, कि जो हमारे पास में एक ग्लूकोज है, इसके पास में एक मोलिक्यूल होता, सॉरी इसके पास में एक ग्रुप होता है वन डिग्री एल्कोहलिक CH2OH ग्रुप। ठीक है, अब अगर आप समझ पा रहे होंगे तो सबसे नीचे इसमें लिखा हुआ है ग्लूकोज के CH2OH, और जब हम नेक्स्ट बार में देख रहे हैं तो हमारे पास में क्या बन रहा है इसमें COOH, और जस्ट ऊपर वाली साइड में भी हमारे क्या बन रहा है COOH। ठीक है, बात करेंगे दूसरी साइड की, तो इक्वेशन के दूसरी साइड में हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, COOH CHOH का होल प्राइस होल फोर CH2OH ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो भी सक्सेरिक एसिड बन रहा है, और ग्लूकोज का भी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो भी क्या बन रहा है, सक्सेरिक एसिड बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज के पास में भी CH2OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल के नीचे हमारा लिंक है, किसका, टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ बच्चे ज्वाइन भी कर रहे हैं, आपसे बहुत बहुत सपोर्ट के जो उम्मीद है मुझे वो लगातार मिल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही था।